नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लाइव बिहार पर आप हर रोज देखते हैं पत्रकारों से एक खास मुद्दे पर खास बातचीत। आज हमारे बातचीत का मुद्दा होगा कि देश में इस समय जाति को लेकर एक बवाल खड़ा हुआ है। असल में ये बातचीत तब शुरू हुई जब कल संसद में राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के बीच एक बहस छिड़ गई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वो लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं जिनकी जाति का कुछ पता ही नहीं। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि अनुराग ठाकुर मुझे गाली दे रहे हैं, लेकिन मुझे इस गाली के लिए उनसे माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। इस लड़ाई में कूद पड़े अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा कि आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं। हालांकि अखिलेश यादव कई बार पत्रकारों से उनकी जाति पूछते हुए देखे गए हैं। अगर जाति की जनगणना करानी है तो जाति तो पूछना ही पड़ेगा, लेकिन आखिर जाति पर इस तरह का बवाल क्यों खड़ा हुआ है? राहुल गांधी ने दो दिन पहले बजट की हलवा पार्टी की एक तस्वीर दिखाते हुए पूछा था कि इसमें ओबीसी, बैकवर्ड क्लास और दलित के कितने ऑफिसर हैं। इन सब सवालों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भोला नाथ जी हैं। भोला नाथ जी का बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो भोला नाथ जी से हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ये जाति पर जो बहस छिड़ी है वो समाज को कितना क्षति पहुंचाने वाली? देखिए, जाति राजनीतिक दलों का एक अस्त्र है और वो अभी एक चुनाव खत्म हुआ है लोकसभा का, और उसमें भी जाति की राजनीति जो है अपने बहुत ही विद्रूप स्वरूप में सामने आया था और उसका समाज में बहुत बड़ा असर होता है। समाज के मतलब ये आरक्षण या जाति की जो लाभ है ये किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, ये तो अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर के ये एक दोधारी तलवार है। इस पर इसी से लिहाज से सियासत भी होती है। पक्ष अपने हिसाब से सियासत करता है और विपक्ष अपने हिसाब से सियासत करता है। इसमें लोगों की हित, भलाई, उनके मुद्दे, उनके सरोकार पीछे चले जाते हैं और सियासत ऊपर आ जाती है। कुछ ऐसा ही अभी लोकसभा में, संसद में राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के बीच में देखने को मिला, जब अनुराग ठाकुर ने एक तंज कसा कि जिसका जाति का पता नहीं है वो जाति गणना कराने की बात कर रहे हैं। तो ये एक तंज ही था, चूँकि इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन इसका जवाब देने के लिए राहुल गांधी उठे और उसी पर सियासत गरमा गई। मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश ठाकुर भी इस पर उन पर निशाना साधते हुए दिखे अनुराग ठाकुर पर कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, बल्कि वो भले ही तल्ख तेवर में पूछने लगे कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछ कर दिखाइए, लगा जैसे कि सदन में कुछ अप्रिय घटना हो जाएगी। लेकिन ये वही, आप जैसा कि आपने बताया अभी, ये वही अखिलेश ठाकुर हैं, यही अखिलेश यादव हैं जो पिछले दिनों कई बार पत्रकारों से भी उनकी जाति पूछ करके और कई तरह के व्यंग करते देखे गए हैं। अगर जाति का एक सच्चाई नहीं है, एक हकीकत नहीं है, तो ये पिछले लोकसभा चुनाव में जो टिकटों का जो बंटवारा हुआ था इनके दलों में, समाजवादी पार्टी में, वो आखिर किस आधार पर हुआ था उनको बताना चाहिए। ये जातिगत आधार पर ही हुआ था। इसी तरह से अगर आप देखें कि राहुल गांधी के बारे में, अगर आप याद करें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अचानक सबको यह पूछ करके चौंका दिया था कि बताइए इसमें कौन किस जाति के पत्रकार हैं, कितने इसमें अनुसूचित जाति या दलित या पिछड़े पत्रकार हैं, और उसमें जब उन्होंने कोई एक मिला या नहीं मिला, बोले कि इसमें तो कोई भी नहीं है। तो ये जाति आधारित अगर गणना हो रही है तो उसमें अगर आपके पास जाएगा किसी भी भारतीय नागरिक के पास कोई अधिकारी जाएगा जो सर्वे करने जा रहा है जाति आधारित, तो उससे क्या पूछेगा? यही तो पूछेगा ना कि आपकी जाति क्या है। तो इस पर इतना वाल और इतना बवाल और हंगामा की कोई बात नहीं थी। अगर जाति गणना की बात आती है तो जाति तो पूछी ही जाएगी, तो इसलिए इसमें इतना उद्वेलित होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसा कोई मुद्दा नहीं था। लोगों को इस पर अपना जब लाभ मिलेगा, जब उस हिसाब से बात आएगी,
तो फिर देखा जाएगा, लेकिन सदन में इस तरह का कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जाति की एक सच्चाई तो भारतीय समाज में है, दूसरा कि जाति के आधार पर जो आरक्षण दिया गया उसका मकसद भी यही था कि जो जातियां पिछड़ गई हैं या वो जो बरसों से प्रताड़ित थीं, शोषित थीं, उनको ऊपर उठाया जाए। तो इसमें अगर कुछ इस तरह की बात है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, तो फिर इससे नाराज़गी क्यों है कुछ पार्टियों? देखिए, इसमें एक बड़ी बात यह है कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि एक चुनाव खत्म हुआ है और दूसरा चुनाव आने वाला है। बिहार में विधानसभा का चुनाव अगले साल होने वाला है, नवंबर में नई सरकार बननी है, उससे ये एक डेडलाइन है, उससे पहले कभी भी चुनाव हो सकता है। तो अगर आप ये देखें कि ये सियासत जो है वो कुल मिलाकर के वोटों की सियासत चल रही है, उसमें अगर आप देखिए कि जो पिछली जो बिहार में जो जातीय जनगणना हुई थी, जो वर्ष 2023 में हुई थी, उसमें सरकार ने नवंबर 23 को एक अधिसूचना ला करके और आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया था। आरक्षण का दायरा जो है वो 50% से बढ़ा करके 65% कर दिया गया था, और 10% जो क्रीमी लेयर के लिए जो है, EBC के लिए जो है, तो उसके लिए, तो इस तरह से 75% का एक दायरा अभी बिहार में लाने की बात हो रही थी। लेकिन जब ये बात पिछला बार जनगणना के आधार पर, जनगणना उसको नहीं कहा जाना चाहिए, उसको जाति आधारित सर्वे को सर्वे का नाम सरकार ने दिया था, तो उसमें जो सामने आया था, जो रिपोर्ट में जो बात आई थी, जो सरकार ने सामने रखा था, उसके हिसाब से 36% EBC की आबादी थी, अति पिछड़ा की आबादी जो थी उसमें 112 जातियां हैं जो कि 36% है। वहीं पिछड़ा वर्ग की आबादी जो है वो करीब 27% है, 27% है। तो कुल मिलाकर के अति पिछड़ा और पिछड़ा, इसकी आबादी 63% हो जाती है। तो एक सारी बात उसी की है कि कैसे हम एक क्रेडिट लें, एक श्रेय लें कि हमने अति पिछड़ा और पिछड़ा को लाभ दे दिया। तो नीतीश जब इस बात को, नीतीश कुमार की सरकार लाई थी, तो उस समय सत्ता में राजद उनका साझेदार था, तो ये उस समय क्रेडिट लेने की बात चल रही थी कि हमने कराया और हम इन जातियों को, जो जिनकी जब आबादी बहुत बड़ी संख्या में है, 36% EBC और बैकवर्ड क्लास के जो है 27%, तो हम उनको भागीदारी सत्ता में देंगे, सरकार में देंगे, तो उसकी बात आई थी। लेकिन आपको याद होगा कि इसमें एक बैरियर भी है, कानून का एक बैरियर भी है कि आप 50% से अधिक आरक्षण नहीं दे सकते हैं। हाई कोर्ट में जब यह मामला गया, सरकार जो 65% आरक्षण की बात लेकर के आई, अधिसूचना जारी की, तो हाई कोर्ट में यह मामला गया और हाई कोर्ट ने तमाम तथ्यों पर विचार करने के बाद उसको रोक दिया कि आप इस आरक्षण को 50% से, इसमें कानूनी बाध्यता है, आप 65% नहीं कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट के रोक लगाने के बाद, चूंकि अब ये मामला एक सियासत का एक गर्म मुद्दा बन चुका है, सरकार को भी ये शो करना है कि हम जिन जातियों के लिए बात करते हैं, जिनका हमको वोट बैंक बढ़ाना है, उनको ये बीच ये दिखाना है कि हम वाकई में कुछ कर रहे हैं, उनके लिए उनके हित की बात कर रहे हैं। सरकार इसके खिलाफ हाईकोर्ट पर रोक, हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 दिन पहले ही आदेश दे दिया है, उसमें उसने साफ साफ कह दिया है कि वह हाई कोर्ट के आदेश पर कोई रोक लगाने नहीं जा रहा है। तो ये एक तरह से नीतीश सरकार के लिए एक झटका है, लेकिन अब इस पर अलग तरह की सियासत हो रही है। असल में ये झटका भी इसको नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार जानती है कि ये नहीं होने वाला है और इसलिए जानबूझकर माने इस मामले को एक राजनीति के तौर पर उपयोग करने की कोशिश हो रही है। देखिए, इसमें अब जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि अगर केंद्र में नीतीश कुमार तीसरी बार प्रधानमंत्री, नरेंद्र कुमार मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो उसमें जदयू का भी बड़ा योगदान है। जदयू के सांसदों की बदौलत ही बने हैं, उसमें चंद्रबाबू नायडू की भी पार्टी का हाथ है। तो अब राजद इसको मुद्दा बना रहा है कि अगर जदयू चाहे सरकार पर दबाव बनाए, क्योंकि उसके बैसाखी से सरकार चल रही है, तो वो इस चीज़ को, इस मुद्दे को लागू करवा सकता है। अब इसमें एक कानूनी बाध्यता ये भी है कि बिहार में 65% आरक्षण का लाभ तभी लोगों को मिल सकता है जब केंद्र सरकार इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करे। तो 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात के लिए राजद
जदयू पर या कहिए कि नीतीश सरकार पर दबाव बना रहा है, लेकिन अब यह मामला दूसरा फंस गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया है कि हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगा सकते हैं, लेकिन साथ में उसने ये भी कहा है कि जो सरकार ने जो अपील की है हमारे पास, बिहार की सरकार ने, नीतीश सरकार ने, उस पर हम विचार सितंबर में करेंगे। तो अब उस पर उसका फैसला सितंबर में आने वाला है। तो अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि जदयू कोई जोर जबरदस्ती या दबाव केंद्र सरकार पर नहीं बना सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार भी ये देख रहा है ना कि मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो उससे पहले वो 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कैसे कर सकता है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो माने एक गार्जियन है संविधान का, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो 9वीं अनुसूची में जो है उस पर भी वो अपना अपनी बात कह सकता है, उसको भी देख सकता है। देखिए उसमें यही बात आ रही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि 9वीं अनुसूची में शामिल कर देती है केंद्र सरकार, तो ऐसा नहीं है कि 65% आरक्षण मिलने लगेगा बिहार में लोगों को, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा। ये चूंकि वो देख रहा है कि 50% जो आरक्षण का दायरा है उससे अगर एक्सीड कर रहा है, उससे बढ़ रहा है, उससे आगे जा रहा है, तो उस पर उसने साफ साफ कहा है, बात है कि वो उसका समीक्षा करेगा कि ये दिया जा सकता है या नहीं दिया सकता है। जहाँ तक बात इसमें बराबर आती है, तमिलनाडु का उदाहरण दिया जाता है जहाँ के 69% आरक्षण है, तो हर उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का वही है, उसको रिव्यू वाली बात है। तो इस तरह से ये कुल मिला करके जो अभी जो सियासत है वो क्रेडिट लूटने की सियासत है। जैसा राजद ने कहा कि अगर नीतीश सरकार चाहे तो केंद्र पर जदयू दबाव बना करके और इसको लागू करा सकता है, 9वीं अनुसूची में शामिल करा सकता है। इधर विजय चौधरी जो कि राज्य सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, उनका भी यही बात, उनका जवाब में ये बात आई कि राजद जो है या विपक्षी दल जो है क्रेडिट लूटने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नकार दिया है कि आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, लेकिन आरक्षण की बात उसने कहा है कि सितंबर में हम बात करेंगे, उस पर विचार करेंगे, फैसला देंगे। लेकिन तो जाति का जो सवाल है, असल में आरक्षण का लाभ कितने लोगों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, दरअसल ये आरक्षण की बात भी या जातियों को के उत्थान की बात जो है उसमें क्या सचमुच में जो लोग उपेक्षित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनको कोई लाभ मिल पा रहा है कि केवल राजनीति हो रही है? देखिए बहुत इस पर एक सर्वे की ज़रूरत है कि कितने लोगों को जो आरक्षण के दायरे में आते हैं उसमें कितने लोगों को वाकई यह लाभ मिल रहा है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये बात भी कहा है कि राज्य सरकार एक साइंटिफिक सर्वे करवाए कि किस जाति के कितने लोग सरकारी नौकरी का लाभ ले रहे हैं, तो इसके आधार पर ये तय हो कि कौन लोग सरकारी नौकरी में हैं उतना परसेंट या नहीं है, आरक्षण का लाभ उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये एक साइंटिफिक सर्वे की बात भी आई है कि सरकार पता करे कि भाई वाकई आरक्षण का लाभ कितने लोगों को मिल रहा है, तभी पता चलेगा कि हो सकता है कि जितना सरकार का एक दायरा है, एक मानक है कि इतना परसेंट इस जाति को आबादी मिलेगी, अगर सर्वे में बात आ गई कि उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, तो फिर वो मामला वही आ जाएगा कि फिर तो रोना चिल्लाना बेकार है। दरअसल वो लोग तो अभी भी शोषित हैं, अभी भी पीड़ित हैं, अभी भी उनका शोषण हो रहा है। और डोमिनेटिंग जो हैं वो आप देखिए, जदयू की पार्टी में ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी, ये तमाम यही लोग लीडर हैं जो पार्टी में लीड कर रहे हैं। और जो सचमुच में जो पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति का, उनका प्रतिनिधित्व तो मिलता नहीं, केवल नीतीश कुमार नेता बने हुए हैं। तो उसी तरह से आरजेडी में देखिए, जाति सबसे बड़ी संख्या तो यादवों की है, लेकिन तेजस्वी यादव छोड़कर दूसरा कोई यादव का नेता उस पार्टी में आगे नहीं बढ़ पाता है। उसी तरह से रामविलास पासवान की पार्टी में देखिए, एक चिराग पासवान के अलावा उनकी पार्टी में देखेंगे तो अगड़ी जाति के लोग ज़्यादा उसमें वो डोमिनेट करते हैं पार्टी को। कैसे मिलेगा लाभ और ये जाति की राजनीति से किसको लाभ पहुंच रहा? देखिए आपने अभी जितने भी पार्टियों का नाम लिया, वो भाजपा को छोड़ दीजिए तो सारी क्षेत्रीय पार्टियों के दर्जे में हैं, क्षेत्रीय पार्टियों के ही स्तर पर आती हैं। तो क्षेत्रीय पार्टी जो होती हैं उसमें इस तरह का संगठनात्मक बहुत विस्तार या बहुत लोगों को समाज के हर वर्ग को लेकर के चलने वाली बात कम देखी जाती है। उसमें व्यक्ति आधारित पार्टी होती है, जैसे लोजपा रहा है तो चिराग पासवान, जैसे राजद है तो तेजस्वी या लालू प्रसाद, इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर आप राष्ट्रीय पार्टियों में बात करें, जैसे कांग्रेस में या बीजेपी में,
तो नेतृत्व में ये बात देखने को आता है कि वो इस बात को जरूर ध्यान रखते हैं कि हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन ये फिर भी देखा जाता है कि फॉरवर्ड क्लास की कुछ जातियाँ डोमिनेटिंग हाँ पोजीशन में रहती हैं, डोमिनेटिंग डोमिनेट करती हैं सारी चीज़ों में, फैसलों में, सारे निर्णयों में, चीज़ें मतलब संगठन के विस्तार में, पदाधिकारियों के चयन में, वो उनका डोमिनेट दिखता है, उनका हावी होना दिखता है। लेकिन अभी अगर आप ताज़ा उदाहरण ले लीजिए भाजपा का, तो उसने प्रदेश अध्यक्ष को बनाया है, दिलीप जाति जायसवाल को बनाया है। को तो शायद दिलीप जायसवाल जो है वो उसी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, कलवार समाज से आते हैं, जिसकी आबादी की अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में जो पिछला जाति आधारित सर्वे हुआ उसमें 36% है। तो भाजपा ने वो दांव खेल दिया है कि उसने अपना प्रदेश नेतृत्व जो है एक अति पिछड़ा के हाथ में सौंप दिया है। अगर बात करें आप सम्राट चौधरी की, तो सम्राट चौधरी पिछड़ा जाति से थे, वो कोयरी थे, लेकिन अब अगर सम्राट चौधरी से कमान ले करके और दिलीप जायसवाल को दिया गया है, तो दिलीप जायसवाल में मूल रूप से वही बात है कि वो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, जायसवाल समाज से आते हैं, कलवार समाज से आते हैं। तो ये एक भाजपा का दाव है कि वो उन 36% आबादी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, चुनावी लाभ के लिए। देखिए, हम लोग बात जो कर रहे हैं मेन वही है कि जातिगत आरक्षण का लाभ किसको मिले नहीं मिले, लेकिन अगर आप कुल मिलाकर के देखेंगे कि जो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे और ये सब में, तो जाति ही मूल रूप से काम करती है कि किस जाति के कितने लोगों को देना है ताकि वो जाति हमारी तरफ आकर्षित हो। तो वही दांव भाजपा इस बार दिलीप जायसवाल को अध्यक्ष बना करके, प्रदेश अध्यक्ष बना करके चली है कि संभवतः हमको इसका लाभ चुनाव में मिले। तो राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं, वो हमेशा कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराकर ही मानेंगे और करेंगे, लेकिन उनके राज्यों में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जाति जनगणना पर वो पीछे हो जाते हैं। फिर वो जब ऑफिसर्स में भी खोजेंगे कि हलवा पार्टी में कौन किस जाति का है, तो ये जाति की राजनीति का एक गंदा स्वरूप आपको दिख रहा है। लेकिन अनुराग ठाकुर ने भी जो कहा वो तंज था और एक हार्ड कमेंट था कि जिसकी जाति का पता नहीं, ये जातियों पर राजनीति होती रहेगी। और आपको क्या लग रहा है, ये किस तरह की राजनीति? देखिए, अभी ये एक सच्चाई है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दक्षिण भारत का कोई राज्य हो, चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो, जैसा आपने कहा, तो ये जाति की राजनीति एक बहुत ही क्रूर सच्चाई है और इससे हम लोग मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, ये होती रहेगी। आप जहाँ तक राहुल गांधी की बात हम लोग करें, तो बिहार में जब इंडिया गठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार, राजद, कांग्रेस इन लोगों की सरकार थी, उसी समय ये जाति आधारित सर्वे को इनिशिएट किया गया था, उसकी पहल की गई थी, और जब वो सफल हुआ था, ये बिहार पहला राज्य है जो 500 करोड़ रुपए खर्च करके और ये जनगणना, ये जाति आधारित सर्वे कराया था। और आपको याद होगा कि उसी समय से राहुल गांधी ये राग अलाप रहे हैं कि पूरे देश में जाति आधारित सर्वे होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति आधारित सर्वे की बात नहीं, वो जाति जनगणना की बात की वकालत करते रहे पूरे देश में, और कल परसों संसद में भी उन्होंने भी यही बात कही कि जाति गणना हम करा कर रहेंगे। तो अब वो कैसे कराएंगे, अब उनकी सरकार आएगी तभी, या फिर कैसे वो क्या उसकी रणनीति बनाते हैं, ये विपक्ष के लिए एक चुनौती भरा काम होगा, देखना होगा। तो चलिए, हम लोग बातचीत कर रहे थे, भोलानाथ जी ये बता रहे थे कि असल में जाति पर जो चर्चा छिड़ी है, जाति पर जो बहस छिड़ी है, वो एक राजनीति का सबसे गंदे स्वरूप में इस समय चल रहा है, और इससे समाज को कैसे मुक्ति मिलेगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन राजनीतिक दलों में जाति को हथियार बनाकर चुनाव जीतने और चुनाव का खेल करने, उसमें जो खेल होता है वो जारी रहेगा, तो इससे समाज को अगर बचना है तो क्या करना होगा, इस सवाल आपके लिए बेहद जरूरी है। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें जरूर बताइए। और लाइव बिहार पर इस तरह की बातचीत देखने के लिए हर रोज जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार।